पहला एक, पहला एक, दूसरा तीसरा 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 चौथा चौथा। यदि इसी में बात करते हैं तो ये होता है ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, बी पॉजिटिव और बी नेगेटिव, बी पॉजिटिव और बी नेगेटिव, और तीसरा में आता है ये भी पॉजिटिव और ये भी नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी नेगेटिव, और वो में आते हैं तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव, वो पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अब हम लोग देखते हैं कि आखिर इसका सिम्टम्स कैसा होता है, कैसे हम पहचान सकते हैं कि ब्लड ग्रुप ए है या फिर ए पॉजिटिव है या फिर बी है या बी पॉजिटिव है या बी निगेटिव है। देखिएगा यहाँ पे एन टी ए, एन टी बी और एन टी डी। एन टी ए में ना, एन टी ए में ये तीन को सभी में तीन कॉलम दिख रहा आपको, या फिर यहाँ पे देखिए एन टी ए में और एन टी बी और एन टी डी ना। यदि इस दोनों में यदि हम ब्लड को रखते हैं ना स्लाइड पर, यदि हम ब्लड को रखते हैं, दिखा रहे अभी आपको स्लाइड, ये आपका स्लाइड है, क्या है स्लाइड, इस स्लाइड पे देख रहे होंगे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। अब ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड ये तीनों पर लिख दिए, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, यदि हम तीनों पर रख दिए, यदि वह तीसरा वाला फट गया, तीसरा वाला क्या हो गया फट गया, तो उसका ब्लड ग्रुप कौन होगा, कौन होगा, कौन होगा, कोई दिक्कत बाबू। अब यदि हम आगे आते हैं तो आगे आप देखिएगा ना, फिर हम ब्लड ग्रुप रखे ना, यहाँ पे ब्लड हम फिर इस स्लाइड पे, जब इस स्लाइड पे हम ब्लड रखे बाबू, तो आप देखिएगा कि ये तीनों पर रख दिए, कितना पर तीनों पर, तो हम लास्ट में रिजल्ट देख रहे हैं कि तीनों में से कोई भी नहीं फटा, क्या हुआ कोई भी नहीं फटा। जब कोई नहीं फटा बाबू, यानी उसका ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, कौन सा होगा, कौन सा होगा। अब उसके बाद फिर हम ब्लड लिए और फिर स्लाइड पर रखे, जब फिर स्लाइड पर रखे उसके बाद हम जब रखे तो देखे कि पहला वाला जो है से फट गया, दूसरा वाला नहीं फटा और तीसरा वाला फिर फट गया, यानी पहला फटा दूसरा नहीं फटा और तीसरा फट गया, यानी उसका ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, कौन सा होगा। अब उसके बाद हम आगे आते हैं बाबू, तो आगे देखते हैं, फिर उसका ब्लड रखते हैं स्लाइड पर फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, तो फिर जब हम ब्लड रखते हैं तो फिर देखते हैं कि फर्स्ट वाला, यानी फर्स्ट वाला क्या हो गया, फर्स्ट वाला क्या हुआ जब